हेलो जी राधे राधे, कैसे हो आप सब। देखिए मेरे घर के काम हो गए हैं, फिर सुबह के जो भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा हो गया है और नहा ली हूँ, पूजा वूजा भी हो गई है और अभी मुझे बनाना है नाश्ता। और देखिए आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये साड़ी बहुत लाइट वेट है, मुझे पहनने में बहुत अच्छी लग रही है, मतलब महसूस नहीं हो रहा कि साड़ी पहन रखी है मैंने। और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं और आज भैया ऑफिस जाएंगे लेट, क्योंकि आज है दिन संडे तो वो लेट जाएंगे, इसी वजह से चलिए मैं आज कुछ स्पेशल सा नाश्ता बनाती हूँ। वैसे तो मैं पराठे का या कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि जल्दी होती है सुबह, वो ऑफिस जाते हैं और अभी टाइम हुआ है 8:15 बजे का, तो बस मैं वही तैयारी करने लग रही हूँ और बच्चों के फिर नाश्ता वास्ता करके फिर मैं बच्चों को नहलाऊँगी धुलाऊँगी, बाकी के काम कूम करूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में और मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ ब्रेड की पेटीज। तो मेरे से खास ज़्यादा अच्छी नहीं आती है बनाना, पर फिर भी मैं बहुत कोशिश करूँगी बनाने की और आपके साथ शेयर करूँगी कि देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ पहले अपनी किचन में। और देखिए मेरे घर में तीन और मेहमान आए हुए हैं, तो मैंने उनसे भी नहीं मिलाया आपको और मैं उनसे मिलाने के लिए लेके जा रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कौन है वो मेहमान। तो देखिए यही हैं वो नन्हे नन्हे से मेहमान, दो तो ये हैं, एक वाइट और ब्राउन, ये भी हम ये इसके पापा भी कल या परसों में ही लेके आए हैं इनको भी। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और बहुत फुर्ती है, जो पहले वाले हैं उनसे ज़्यादा फुर्ती इनमें है। तो देखिए रुकते नहीं हैं और बहुत नन्हे से हैं, बहुत ज़्यादा ही फुदक फुदक करते रहते हैं। और एक इनका जोड़ीदार आया है, ये है ग्रीन वाला, तो ये तीनों को लेके आए थे, क्योंकि ये ना सबसे लड़ता रहता है, ये उनसे भी लड़ रहा था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए यहाँ पर मैंने चटनी, खट्टी वाली चटनी बनाने के लिए सामान रखा है उसमें जार में, और यहाँ पर देखिए ब्रेड ली है और मैदा है, आलू हैं, प्याज हैं, और इसमें टमाटर, हरी मिर्च, धनिया वगैरह जो भी है, ग्रीन वाली खट्टी चटनी बनाने के लिए है। तो मैं सबसे पहले तो चटनी पीसूँगी। तो मेरी देखिए चटनी बन गई है और अब मुझे करनी है उसकी तैयारी। तो देखिए पहले मैंने गैस पर रखी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, तो इसमें ऑयल डाल दिया है और जैसे ही ऑयल हो जाएगा गरम तो इसमें डालूंगी मैं जीरा। तो ऑयल गरम हो चुका है देखिए, इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, धनिया साबुत वाला, ये दोनों चीज़ भुनेंगी अभी अच्छे से। मुझे ना थोड़ा सा रोस्ट करूँगी इसको धनिए को, और जैसे वो हो गया तो फिर मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर, सूखे मसाले डाल दूँगी मैं सारे, और धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर, ये सब डाल के हल्का सा इनको चलाऊँगी, मिक्स कर लूँगी मतलब। और ये इनको चलाने के बाद देखिए फिर मैंने इसमें ये उबले हुए आलू थे उनको फोड़ के डाल दिया है, और इनको अच्छे से खूब मिक्स करूँगी, और इनको ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रखना है मुझे, तो मैं इसे करछी से ही दबा दबा के कर दूँगी। तो देखिए मैं इनको कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। और अभी मुझे इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो है देखिए ये तो डाला है मैंने चाट मसाला, और इसमें ये डाल दिया है कटा हुआ धनिया, और एक चीज़ और भूल रही हूँ मैं अभी, वो भी डालनी है, वो मैं ध्यान नहीं रहा था शुरुआत में कि वो नमक है, तो वो भी डालना है मुझे अभी। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी मैं इसमें डालूँगी नमक, वो मैं भूल गई थी शुरुआत में। तो देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, कोई नहीं अभी ऊपर रखी है ना गैस पर ही कढ़ाई, तो मैंने सोचा अभी तो मिक्स भी हो जाएगा, तो मैंने वही डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये पिट्ठी बन के हो गई है तैयार, देखिए ये मैंने निकाल लिया, इसको होने दूँगी ठंडा, इतने में अभी मैं वो तैयार करूँगी घोल। तो ये मैदा ली है मैंने, तो मैं इसमें ये मैदा डाल दूँगी, एक कटोरी मैदा ली थी,
और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, जैसे हम ब्रेड पकौड़े का बनाते हैं। बस इसमें मैंने बेसन का यूज नहीं किया है, मैंने इसमें मैदे का यूज करा है और ये बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है बहुत ही खाने में, और बहुत अच्छी सी बनी भी बहुत अच्छी थी, खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी डाली अजवाइन और नमक डाला था। ये डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, डालते डालते इसको चलाते रहना है, हल्का हल्का ही डालना है पानी, क्योंकि फिर इसमें गांठे बन जाते हैं, जो गुठले होते हैं उस टाइप के बन जाते हैं। और इसको मैं अच्छे से चलाती रहूँगी और इसका एक कर लूँगी पेस्ट तैयार अच्छा वाला। देखिए इसका ये पेस्ट तैयार हो गया और एक भी वो नहीं रही है इसमें, जो गांठे सी रहती हैं वो एक भी नहीं रही है। तो देखिए वो तो बनके हो गया है तैयार, और अभी हमें ब्रेड चिपकाने के लिए भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कटोरी में ली है मैदा और इसको थोड़ा सा मतलब टाइट सा ही पेस्ट बनाना है इसका, वो तो थोड़ा सा गीला है लेकिन इसको थोड़ा सा टाइट बनाना है। तो बस मैं वही बनाने लगी हुई हूँ यहाँ पर, इसमें भी हल्का हल्का पानी डाल के बनाना है। और ये देखिए ये भी बन गया है, ये देखिए ये इस तरीके का रखना है, और वो मैंने थोड़ा सा गीला सा रखा है। और अब देखिए मैंने यहाँ पर रख लिया है अपना चकला और इस पर रखूँगी मैं ब्रेड, ब्रेड के चारों तरफ से किनारे किनारे मैं काट दूँगी। और ब्रेड आप कोई सी भी ले सकते हो, वाइट वाली या ब्राउन वाली, तो मैंने ये वाइट वाली ब्रेड ली है यहाँ पर। और इसको काट के चारों तरफ से फिर मैं इसको बेल रही हूँ, एक पतली सी पूड़ी जैसी बेल लेनी है इसको, बिलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसके चारों कोने पे मैं ये जो मैदे का मैंने वो बनाया था उससे मैं चिपका रही हूँ इसे, चारों तरफ से अच्छे से इस पर लगा लिया है मैंने। और इसमें अभी मुझे रखनी है जो पिट्टी तैयार करी थी मैंने, और उधर गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई और उसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल ताकि इनको तलना है मुझे। तो मैंने इसमें देखिए ये रख लिया है पिट्ठी जो बनाई थी अभी, उसको रख के अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी और अच्छे से दबा के चिपका लूंगी इसे। देखिए इस तरीके का बनेगा। तो मैं ये ऐसे करके 3-4 ब्रेड पे पहले ही कर लूँगी, फिर उसके बाद इनको तलूँगी। वो ये तलेंगी इतनी देर में दूसरी तैयार हो जाएंगी। तो पहले मैं इनको सब 2-3 बनेंगी जितनी भी आएंगी उस मेरी कढ़ाई में उतनी बना लूँगी। तो देखिए एक वो बन गई है, दूसरी ये बनने वाली है, इसको भी मैं बेल रही हूँ अच्छे से किनारे किनारे से। और ये भी ये लगा लूँगी मैं चारों तरफ पेस्ट है जो। और फिर मैं इसमें ये पिट्ठी रख रही हूँ, एक किनारे पर रखनी है, आधे हिस्से में रखनी है, आधे में नहीं रखनी है। तो जो आधा खाली वाला है वो इसके ऊपर ऐसे रख के और इसको अच्छे से दबा दूँगी। बहुत जल्दी बन जाती है, बस आलू उबालने की देरी होती है, आलू उबल जाते हैं उसके बाद ये बस भर लो, बना दो और तल लो, बस तुरंत बन के फ्री हो जाता है नाश्ता अच्छा वाला। तो देखिए अब मैं इसमें डिप करके और कढ़ाई में डालूंगी क्योंकि मेरा ऑयल हो गया है उधर गरम। तो देखिए ये मेरी पेटीज तली जा रही हैं इसमें। इनको अच्छे से गोल्डन होने तक मैं सेकती रहूँगी उलटते पलटते। तो देखिए मैं इनको पलट के सेक रही हूँ, तो देखिए मेरी ये सिकने वाली हैं, थोड़ी सी आपको भी इनका कलर चेंज दिख रहा होगा। तो देखिए ये मेरी पेटी बिल्कुल सिक गई हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में। तो देखिए मैं इनको निकाल रही हूँ और देख रहे हो आप कितनी अच्छी सी की हैं, बिल्कुल गोल्डन हो गई हैं। और देखिए मैं इसको बीच में से काटूंगी और यहाँ मेरे
लीड लगी हुई है, मैं बात कर रही थी, मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो देखिए मैंने इसको बीच में से काट लिया है इस तरीके से, बिल्कुल पेटीज की तरीके से। देखिए अंदर वही फीलिंग आ रही है अंदर जो पेटीज के अंदर होती है। और मैंने एक प्याज को काट के रखा था, तो मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी प्याज और डालूंगी मैं नमकीन। और देखिए भूमि मेरी सो के उठ गई है, तो वो देख रही है कि मम्मी आप क्या बना रहे हो, समोसे बना रहे हो। तो देखिए अब इसको आप हरी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ या चाय के साथ खा सकते हो। तो जब संडे होता है तो मैं कुछ इस तरीके का ही नाश्ता बनाती हूँ। तो देखिए ये मेरी प्लेट लग के हो गई है तैयार, लग रहा है ना अच्छा वाला नाश्ता। फिर सारे काम कूम कर लिए थे मैंने, घर के बच्चे बच्चे नहा लिए हैं, उसके बाद ये मेरे पास सूट आया था किसी का सिलने के लिए, तो बस मैं वही फिर दोपहर में यही काम करने लग गई थी। 12 बजे के बाद बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना पीना सारा कुछ करके मैं एक सूट काटने लग गई थी। तो आज तो मैंने सलवार सिली है, अभी सूट मुझे कल सिलना है। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसी तरीके से सिल देती हूँ, एक दो सूट सलवार आ जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ सिलने के लिए, बाहर के भी ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का साथ है इस वजह से। तो देखिए मेरे यहाँ पर सूट की कटिंग कर ली है और अब मैं यहाँ पर सलवार की भी कटिंग कर रही हूँ। तो इसके साथ पिंक कलर का सूट है, ग्रीन कलर की ये सलवार है, और भूमि भी मेरे पास बैठी है, वो चौक की तलाश में बैठी है कि मुझे चौक मिले। देखिए कैसा मुंह बना रही है अगर मैं चौक की मना कर रही हूँ उससे। तो ये मैं सलवार के लिए पहले बेल्ट निकाल रही हूँ जो ऊपर बेल्ट लगती है, और ये फुल हैवी पटियाला सलवार बनाऊँगी मैं। और इसको जो पट्टियाँ होती हैं वो मैंने निकाल ली हैं पहले से ही, और अब मैं इसमें से निकालूंगी सलवार के लिए कलियाँ होती हैं जो पट्टी, मैंने 14 इंच की एक करके तो दो निकाली हैं 28 इंची वाली। और भूमि को बड़ा अच्छा लग रहा है, बार बार कैमरे के पास आ रही है, बंद कर रही है उसको, चालू कर रही है। तो देखिए मैं यहाँ पर सिलने के लिए भी लग गई हूँ, तो मैं इसमें सलवार में कलियाँ जॉइंट कर ली हैं मैंने पहले, और उसके बाद मैं बेल्ट जॉइंट कर रही हूँ। तो मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ, तो एक तरफ की प्लेट तो अपनी तरफ फोल्ड करते हुए डालूँगी, तो मैं ये पहली वाली प्लेट अपनी तरफ फोल्ड करते हुए डाल रही हूँ। और काफ़ी बड़ी बड़ी मैं प्लेटें डाल रही हूँ, पटियाला सलवार में थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट डलती हैं गहरी गहरी, तो बस मैं वही डालने लगी हुई हूँ यहाँ पर। और देखिए दूसरी तरफ की मैं इधर फोल्ड करके डालूंगी, अपनी तरफ नहीं करूँगी। तो देखिए ये वाली तो मैंने ऐसे फोल्ड करी थी, और ये वाली मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। और सलवार बहुत अच्छी सिल के तैयार हुई है, मैं फ़ोटो नहीं खींच पाई हूँ, मैं सोच रही हूँ सूट और सलवार दोनों बन जाएंगे तभी आपको दिखाऊंगी। तो सूट मुझे कल सिलना है। तो आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें।